मैं दिल्ली एयरपोर्ट पे उतरा, गुड़गांव जाने के लिए कैब लिया। कैब वाले यहाँ पे बात बहुत ज्यादा करते हैं, बातों बातों में पूछने लगा आप कहाँ से हैं, क्या करते हैं। मैं बताया मैं बिहार से हूँ। वो मेरे कल्चर का रिस्पेक्ट करते हुए तुरंत एसी बंद किया। हाँ, जैसे ही बिहार सुना एकदम चौड़ में आ गया। पहले ड्राइवर जैसा चला रहा था, एकदम सीट वीट पीछे करने लगा। मैं पीछे उसके डायगोनली अपोजिट बैठा, बगल में आके बैठ गया। मैं कहा भाई समझ गया तू चौड़ में है, अब क्या डिंगी से चलाएगा क्या। आप लोगों में से कोई बैंगलोर गया है क्या? आप गए हो काफी कम लोग। मैं रहा बैंगलोर में ऐसा 4-5 साल, फिर मैं गुड़गांव शिफ्ट हो गया, क्योंकि कब तक सिविलाइजेशन में। हाँ, कब, वहां सब कुछ आसान है यार। मैं गाली तक भूलने लगा था। मैं कहा भाई ऐसे कैसे, मैं नॉर्थ का हूं भाई, गाली वाली भूल जाऊंगा तो सरवाइव कैसे करूंगा। वहां पे पता है इतना इतना ट्रैफिक है और रोड रेस है ही नहीं। मैं कहा क्या कर रहे हो, इतना चपक के चल रही है गाड़ियां, मार क्यों नहीं रहे एक दूसरे को। क्या चल रहा है? पता है 5 साल में रहा, मेरी पहली बार गाड़ी ठुकी। मैं खुश हो गया कि आज तो सारी गालियां रिवाइज करूंगा। और मैं गाड़ी से उतरा एकदम गुस्से में, और मेरे मुंह से बस इतना निकल पाया, साले कुत्ते। मैं कहा भाई ये चलता रहा तो 1-2 साल में कहीं मैं लड़ाई में जी भी न चिढ़ाने लगूं। कि जो बोलता है वही होता है। अभी रुक, मम्मी को बुलाता हूं। मैं कहा भाई चलो यहां से, ये हाल करने थोड़ी आए यहां पे। पापा ना, मैं गाड़ी से जोश में तो उतर गया, मेरी गाड़ी थार में ठुकी थी, मैंने नंबर नहीं देखा, उतर के देखा हरियाणा का नंबर। मेरी फटली, मैं वापस जाने लगा तो थार में से 6.5 फुट का जाट उतरा। मैं कहा भाई आज पिटने वाला हूं, और वो उतर के कह रहा है कि कोई बात नहीं भाई, हो जाता है। मैं कहा भाई कब से रह रहा तू यहां पे, ये क्या हाल बना रखा है भाई, आ गले लग जा भाई, सब ठीक हो जाएगा, घबराने की बात नहीं है। हम लोग बैठ के चाय पिए, अपनी दुर्दशा पे हमें रोना आया कि बताओ घर से इतना दूर आ गए कि गाली भी भूल गए। मैं चला आया, और मैं हूं नॉर्थ का ही, मेरा कॉलेज यहाँ गाजियाबाद में था, मेरी नौकरी लगी तो मैं बैंगलोर चला गया, क्योंकि जहां नौकरी वहां नॉर्थ इंडियंस। हमें घर द्वार से कोई मतलब नहीं है भाई, हम पहुंच जा रहे हैं, हम मंगल पे बोल दे कि भाई बहुत वैकेंसी है आ जा। मंगल पे लाइन लगाए खड़े हैं। मैं पहुंच गया बेंगलोर, और यार एक चीज देखा, हमारा जो नॉर्थ का पापा लोगों वाला जनरेशन है वो साउथ को लेके कितना इग्नोरेंट रहता है यार। उन्हें ऐसा लगता है कि मुंबई के नीचे सब मद्रास, श्रीलंका भी मद्रास। मैं पापा को बताया कि पापा मेरी नौकरी लग गई है, मैं जा रहा हूं बेंगलोर। एकदम दुखी हो गए, कह रहे बेटा नौकरी तो देखो अपने देश में ही करो। क्या बदतमीज है पापा, अपना ही देश है, सुन रहे हो अपने आप को, क्या बोल रहे हो। कह रहे अरे मतलब अपना ही देश है यार, मेरा वो मतलब नहीं है, मेरा मतलब ये है कि उनका थोड़ा समाज अलग है। मैं कहा समाज अलग है कैसे? कह रहे हैं वो लोग चावल बहुत खाते हैं, और जब ये बोल रहे थे पापा खुद चावल खा रहे थे। कुछ भी मत बोलो यार, मैं चला गया बैंगलोर, की फालतू बात कर रहे हैं यार। और मैं जब बैंगलोर गया ना, तो वहां मुझे जाके रियलाइज हुआ कि ये केवल नॉर्थ के पापा लोग का इश्यू नहीं है, ये जनरेशन वाइड समस्या है। साउथ के अंकल लोग भी कम नहीं है, उन्हें भी ऐसा लगता है कि मुंबई के ऊपर सब नॉर्थ। हाँ, ब्लडी नॉर्थ इंडियंस, पाकिस्तानी भी नॉर्थ इंडियंस, स्टेट वगैरह कुछ नहीं, सब नॉर्थ। मैं एक कनाडिया अंकल के घर पे रेंट पे रहता था, वो नीचे रहते थे, मैं ऊपर रहता था। एक दिन मेरे पास आए, कह रहे हैं सत श्री अकाल पाजी।
पंजाबी नहीं हूं, मैं बिहार से हूं। कह रहे हैं अलग होता है क्या? मैं कहा नहीं, सेम होता है, लस्सी पिलाइए बुर्रा। कुछ नहीं पता भाई। फिर पूछने लगे, थोड़ा लगा उनको कि गल पूछ रहे हैं कि आप अच्छा अच्छा बिहार में कहां से हैं। मैं बताया मैं बिहार में पटना से हूं। कह रहे बेटा मैं पटना तो गया हूं, वहां के टुंडे कबाबी मुझे बहुत पसंद हैं। मैं कह रहने दो यार, नहीं पता है तो मान ही नहीं रहे। कह रहे बेटा अगले साल अपनी पत्नी के साथ मैं आगरा जाने का प्लान कर रहा हूं, सोच रहा हूं आप ही के यहां रुकूंगा। मैं कहा आगरा थोड़ा अंकल आपको दूर पड़ जाएगा, 1-2 किलोमीटर पैदल चलना पड़ेगा पटना से। आगरा में आपके लिए इंतजाम करवाया गया है, पागल खाना बना है। मान ही नहीं रहे। और पता है वहां पे ना नॉर्थ के लोग बहुत पहुंच गए हैं बैंगलोर में, क्योंकि नौकरी है तो पहुंच गए हैं। तो ये कनाडिका मेरा लैंडलॉर्ड पैसे कमाने के लिए वहां पे नॉर्थ इंडियन रेस्टोरेंट खोले हैं। हाँ, मेरे पास एक दिन आ गए, कह रहे हैं बेटा नॉर्थ का सारा कुजीन मिलता है, कुछ भी खाने का मन करे तो आ जाना। मैं चला गया, मैं लिट्टी चोखा ऑर्डर किया, इसने मुझे दाल बाटी चूरमा खिला दिया। मैं कहा अंकल नहीं है ये लिट्टी चोखा। कह रहे यही है, खा नहीं अभी रेंट बढ़ेगा। मैं कहा एकदम ऑथेंटिक लग रहा है, हम लोग शायद बिहार में गलत खा रहे हैं। इसके साथ लस्सी मिलेगी क्या? हाँ बुर्रा। तो मैं रहा ऐसा 4-5 साल बैंगलोर में। फिर मुझे लगा यार एक बात बताओ, मैं ऐसे कब तक नकली पंजाबी बन के घूमता रहूं? मेरी भी तो एक अपनी रीजनल आइडेंटिटी है। कम से कम ऐसी जगह जाओ जहां लोगों को पता हो कि आप कहां से आते हो, वहां का खान पान क्या है, उनका समाज कैसा है, आपके कल्चर का रिस्पेक्ट हो। तो मैं गुड़गांव आ गया। मैं दिल्ली एयरपोर्ट पे उतरा, गुड़गांव जाने के लिए कैब लिया। कैब वाले यहां पे बात बहुत ज्यादा करते हैं, बातों बातों में पूछने लगा आप कहां से हैं, क्या करते हैं। मैं बताया मैं बिहार से हूं। वो मेरे कल्चर का रिस्पेक्ट करते हुए तुरंत एसी बंद किया। क्या बिहार वालों के लिए थोड़ी चलाएंगे हम एसी? बाहर बढ़िया मौसम है, हवा लीजिए जून का। हाँ, जैसे ही बिहार सुना एकदम चौड़ में आ गया। पहले ड्राइवर जैसा चला रहा था, एकदम सीट वीट पीछे करने लगा। मैं पीछे उसके डायगोनली अपोजिट बैठा, बगल में आके बैठ गया। मैं कहा भाई समझ गया तू चौड़ में है, अब क्या डिंगी से चलाएगा क्या? मैं पैसेंजर सीट पे बैठ के ड्राइवर जैसा फील कर रहा हूं, और डरा भी हुआ हूं कि कहीं साइड में लगा के कहना दे कि अब आप चलाइए, ये आपका काम है। हम तो हरियाणा वाले हैं, हम तो प्लॉट बेचेंगे। अब मिल रही है ना यार कल्चर को रिस्पेक्ट, अब आया ना मैं सही जगह पे, आ रहा है मजा। और मैं आया था ना तो मेरा रेंट पे घर था बैंगलोर में, तो यहाँ पे मुझे रेंट पे ढूंढना था। तो मैं बढ़िया होटल करके आया था, बढ़िया कि आराम से रहूंगा, 5,000 का बढ़िया एकदम होटल रूम बुक किया था 10 दिन के लिए। मैं गया वहां पे, उसको बुकिंग आईडी दिखाया, आधार कार्ड दिखाया रिसेप्शन पे, वो आधार कार्ड में मेरा एड्रेस पढ़ लिया बिहार का, वो मुझे सामने से 3,000 वापस किया कि आप 2,000 वाले में रहिए, रखिए ये 3,000, आपको घर भी भेजना होता होगा। मैं कहा साले अलग से जज कर रहा है, सारे गरीब थोड़ी हैं यार वहां के, मान ही नहीं रहा है। और पता है यहाँ पे ना ऐसे नॉर्थ में आप रहोगे ना तो एक्सेंट से लोगों को पता चल जाता है कि आप कहाँ हैं। शुरू में ही आप लोग पकड़ लिए होंगे कि ये भैया जी हैं। बैंगलोर में नहीं पता चल रहा है, वहां तो मेरा कनाडिया लैंडलॉर्ड
आगे कह रहा है मनीष योर पंजाबी एक्सेंट इज सो सेक्सी। हाँ वो अमृतसर जा रहा था, मुझसे पंजाबी सीख के गया। अमृतसर में जाके लोगों को कह रहा सत श्री अकाल का हाल बा। यहाँ तुरंत पकड़ ले रहे हैं कि भाई ये तो मैं जिस होटल में रुका था वहां पे जो भी स्टाफ था अपनी साइड का था। हाँ तो समझ गए ये तो भैया जी हैं अपने, इनको क्या जरूरत है कि टाइम पे खाना दिया जाए। इनका लंच तो डिनर टाइम पे भी चलेगा। हाँ मैं लंच ऑर्डर किया, रात तक आया नहीं, मैं रिसेप्शन पे चला गया कि भाई क्या बदतमीजी है, पैसे तो दे रहा हूं मैं। तो वो सुन ही नहीं रहा है रिसेप्शन वाला, कह रहा क्या सोचे हैं कल भी 5,000 वाले में रहेंगे। हाँ और ये सारा काम ना कोविड के टाइम पे हो रहा था, मैं कोविड के टाइम पे इधर मूव हुआ था, तो कोविड के टाइम पे आदमी अकेला था, ऐसे ही मेंटल हेल्थ की हालत खराब थी। मैं एकदम परेशान हो गया कि एक बात बताओ, इतना पढ़ाई लिखाई करो, मेहनत करो, पैसे कमाओ, घर से दूर रहो, और जब झेलना रेसिज्म ही है तो क्या फायदा हुआ भाई, क्या फायदा इस मेहनत का। चलो गांव चलते हैं, वहां क्या ही रेसिज्म। मैं चला गया गांव सब छोड़ छाड़ के, वहां अलग नाटक चल रहा है। वहां पूरा गांव मुझसे गुस्साया हुआ है कि बताइए दोपहर के 7 बजे उठते हैं। लेट नाइट 9 बजे सोते हैं। पार्टी की आदत पड़ चुकी है इनको। हाँ पता है मेरे बड़े पिताजी मेरे पिताजी से झगड़ लिए कि तुम्हारा बेटा शहर जाके बिगड़ गया है, खड़े होके सूसू करता है। क्या बात कर रहे हो यार, खड़े होके नहीं कर, तो कह के बैठ के करिए, छींटा पड़ता है। मैं कहा बैठ के करूंगा तो मुंह पे पड़ेगा। गांव समाज में है कि नहीं सुसु आपको बैठ के करना चाहिए। और एक बात बताओ, आप धोती पहनते हो, मैं तो जींस पहनता हूं ना यार, आपके लिए आसान है बैठ के करना। मैं बैठ के करूंगा मेरा सारा गीला हो जाएगा, तो मुझे टेलर के पास लेके चले गए, मेरा पैंट सिलवा दिया जिसका चेन नीचे से खुल रहा है, और मैं बैठ के सुसु कर रहा हूं। मैं पिछले हफ्ते बैंगलोर की कंपनी में इंटरव्यू दे दिया हूं दोस्तों। मैं जा रहा हूं बैंगलोर, मैं पंजाबी ठीक हूं बुर्रा। थैंक यू फॉर लिसनिंग, माय नेम इज मनीष चौधरी। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों। आपसे 3 जरूरी बातें करनी है। पहली बात ये कि जो हमारी प्राचीन परंपरा रही है जिसमें आप वीडियो देखने के बाद उस चैनल को सब्सक्राइब करते थे, उस परंपरा को आपको आगे लेके जाना है और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है। दूसरी बात ये कि मैं इंडिया के कुछ शहरों में अपना सोलो शो लेके आ रहा हूँ, उसका डिटेल आपको यहीं कहीं मिल जाएगा और टिकट का लिंक डिस्क्रिप्शन में पड़ा हुआ है, आप वहाँ से जाके आप टिकट लेके मेरे शो में आ सकते हैं। तीसरी बात यह है कि मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करिए, आप यूट्यूब से निकलते हैं इंस्टाग्राम पे पहुंचिए और मुझे वहां फॉलो करिए। इंस्टाग्राम और यूट्यूब आस ही पास पड़ते हैं, आप शेयर्ड ऑटो लेके पहुंच सकते हैं।